गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम साइकोलॉजी का एक फिर से नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस पॉइंट से, इस जो हम टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक से हमेशा साइकोलॉजी में CTET 1 पेपर 1, CTET पेपर 2 में, KBS DFFF सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब देखिए साइकोलॉजी का, इससे पहले हम दो डिफिनेशन बता चुके हैं, स्टडी ऑफ सोल एंड स्टडी ऑफ माइंड। आज जो आत्मा का अध्ययन करता है उसे साइकोलॉजी कहते हैं, जो मन का अध्ययन करता है उसे साइकोलॉजी होते हैं। बाद में जो कुछ नए जनरेशन के साइकोलॉजिस्ट आए वो दोनों डिफिनेशन को क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। एक नया डिफिनेशन साइकोलॉजी का आया, साइकोलॉजी का एक नया डिफिनेशन क्या आया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए लिख देता हूँ, चेतना का विज्ञान। जो क्या, चेतना का विज्ञान, जो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब पूछा जाएगा इस डिफिनेशन को दिया किसने था, तो विलियम बुंट ने दिया था। अब विलियम बुंट और एक दूसरा साइकोलॉजिस्ट का नाम रहेगा टिचनर। तो टिचनर कौन थे, टिचनर जो थे विलियम बुंट के ही क्या थे, शिष्य थे। कौन थे, टिचनर जो थे विलियम बुंट के शिष्य थे। इस बात को याद रखना, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होगा, विलियम बुंट का नाम नहीं दिया रहेगा तो आपका टिचनर का नाम दिया रहेगा। तो टिचनर कौन थे, विलियम बुंट के ही शिष्य थे। इनको क्या कहा जाता है, संरचनावादी भी कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाता है, संरचनावादी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम बुंट को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में या केबीएस में। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, विलियम बुंट को कहा जाता है। अब देखिए विलियम बुंट ने क्या किया था, साइकोलॉजी का प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था, लैब स्थापित किया था। कब स्थापित किया था, 1879 में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है साइकोलॉजी का प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था, तो विलियम बुंट ने ही किया था। कब किया था, 1879 में। कौन सा जगह था, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी था। ये कहाँ पर था, जर्मनी में था। कहाँ पर था, जर्मनी में था। विलियम बुंट कहाँ के रहने वाले थे, विलियम बुंट भी जर्मनी के ही रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रथम लैब किसने स्थापित किया था, विलियम बुंट ने किया था। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, विलियम बुंट को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए इस वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में कर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।